मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। हमारे पहले इंतजामी जलसे के सदस्य यासीन जलसे वाले, हमारी समाजवादी पार्टी के इंडिया गाड़ी के उम्मीदवार शान न्याल साहब और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार हैं जो स्टेट के बड़ी तादाद में बैठे हैं। आज हमारे शहर के अंदर इंतखाबी जलसे पुरजोश अंदाज में चालू है। पुरजोश तरीके से यहाँ पे इंतखाबी प्रचार यहाँ पे शुरू हमारे शहर में हो जा रहा है। मगर मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारा शहर, हमेशा से बोला जाता था कि हमारा शहर सियासी तौर से बेदारी वाला शहर है। हमें सियासी बेदारी है। हमारे शहर से जो तहरीक निकलती है वो पूरी दुनिया में जाती है। वो फिर वो काफी मस्जिद की हो कि फलस्तीन की हो, सारी तहरीक हमारे शहर से निकली। मगर ये 25 सालों के अंदर ये बेदार शहरी, बेदार होटल जिनको सियासी बेदारी थी, इनकी बेदारी कहाँ चलेगी? इनको क्या हो गया? सियासत को समझ में क्यों नहीं आ रही कि हमारे शहर में क्या चल रहा है? हमारे सामने जो दो उम्मीदवार खड़े हैं, एक मौजूदा आमदार और एक सादिक आमदार, आजी माजी आमदार जो है, आप इनके जलसे देखो, आप इनकी बयान देखो, इनका क्या कर रहा है, 5 साल में क्या इन्होंने किया। दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि इसने कुछ काम नहीं किया, वो बोलता उसने काम नहीं किया, मैं उसका हिसाब लूंगा, ये बोलता मैं उसका हिसाब लूंगा। दोनों हिसाब दे नहीं सकते क्योंकि दोनों ने कुछ काम नहीं किया। दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है, एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल बीजेपी के एजेंट है, माजी आमदार बोलते, और ये बोलते हैं इन्होंने पार्टी का नाम रखा बीजेपी के बोलने पे रखे। मतलब ये है कि दोनों बीजेपी के एजेंट है और खुले एजेंट है दोनों बीजेपी के। ये शहर हमारा बेदार शहर है, इसमें अब किसी के झांसे में कोई आने वाला नहीं है। दोनों एक दूसरे को बोलते, मैं जलसे के अंदर देख रहा हूँ, मुफ्ती साहब बोलते हैं वो कबरी है, वो तो ऐसा है कि उसको ऐलान होता है पुलिस से पहले मुझे मालूम मिल जाती है। दोनों कबरी है, मुफ्ती साहब भी पुलिस के कबरी है, शेख कासिम भी पुलिस का कबरी है। कभी आप लोगों ने इनको देखा पुलिस के खिलाफ कोई बयान देते हुए? कभी आपने देखा इनको 12 नवंबर के अंदर जुलूस में आने के लिए? अभी बात करते हम कानून बनाएंगे कि हुजूर की शान में गुस्ताखी ना हो। जब हुजूर की शान के लिए गुस्ताखी के खिलाफ जुलूस निकला तो घर से बाहर नहीं निकले और पुलिस की खबरीगिरी कर रहे थे। ये बोलते मैंने पत्थर देखा था, वो बोलते पत्थर पहले से रखा गया था और जितने भी अलहमदुल्ला यहाँ पे गिरफ्तार हुए ये दोनों की मेहरबानी थी। हमें हमारे शहर में जितने भी गिरफ्तारी हुई है सीसीटीवी देख देख के ये लोग बताते जाते थे कि ये भी था, ये भी था, ये भी था। सियासी रहनुमा में सिर्फ मुस्तकिम डिग्री था जो जुलूस की शक्ल में वहां पे था और वो अकेला लीडर था जिसने खुद जाके गिरफ्तारी दिया। एक आलमादा तो ऐसा था जिसकी वजह से जुलूस निकला, हमारे बोलने पे शहर रुक जाता बोलने वाला, साल भर घर के बाहर कोई खानदान का पद नहीं निकला। गुस्सा के रसूल की सजा देने वाले घर के बाहर में निकले, ये ऐसे आशिक के रसूल लोग आए हमको बेवकूफ बनाने के लिए। मुझे हैरत होती है शहरियान के ऊपर और उनकी बेदारी के ऊपर हैरत होती है। मैं हमारे मुफ्ती साहब को जो आज के आमदार है महलो में घूमते देखा, लोग उनको फुलार कर रहे, लोग उनको मिठाई खिला रहे, लोग उनको दूध पिला रहे। उन्होंने क्या काम किया जो उनको दूध पिला रहे और आप हाथ फुलार कर रहे? मुझे पता उन्होंने 5 साल में क्या काम किया, उससे पहले 5 साल में क्या काम किया, दोनों ने क्या काम किया। 15 साल वो आमदार थे, 15-10 साल ये थे, दोनों के पास कारपोरेशन थी, दोनों के मेयर थे, दोनों ने क्या काम किया? ये पहला शहर मैं देख रहा हूं कि कामचोर का फुलार हो रहा है। वो नौजवानों के लिए कुछ स्कूल लाया, नौजवानों के लिए रोजगार की बात किया। बुनकर एमएलए बोलते अपने आप को, उन्होंने बुनकर के लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम लाई, तो इंडस्ट्री लेके आए हमारे शहर में कि 12 नवंबर के लोगों को कुछ दिलासा दिया कि किसी को छोड़ा है। गढ़ की यात्रा जब यहाँ से निकल रहे थे, जब कभी आए मुफ्ती साहब, यह मुफ्ती साहब आए ना, जो माजी मानदार है शेख आसिफ आया जिनका वो गढ़ है, हम 5 भाई और 25 बहन और 50 के हमारे 75 बोलने वाले, कहाँ गए वो? कभी आज तक आए कभी वो? और आज आस्तीन चलाने की बात कर रहे हो, मेरे को आप सुन गए तो मैं आस्तीन चलाऊंगा। घर के बाहर निकलते ही जब तक 15 लोग उनके आजू बाजू जमा नहीं होते,
ये हमको हिम्मत की बात करेगा। मुफ्ती साहब के बारे में तो मैं एक बात बोलूंगा कि शहर के अंदर जो चीज चल रही है सिर्फ उनके वजह से चल रही है। पूरे कल मैं उनकी तकलीफ हो रहा था, शहर में जो दो नंबर का धंधा हो रहा है वो माजी आमदार चला रहे हैं, जो तो गोली गाजा चरण दिख रहा है वो माजी आमदार कर रहे हैं। अच्छे लोग को कारोबार में लाया है, अच्छे लोगों को वो बिगाड़ रहे हैं, पुलिस की रेड भी वही करवाता है। वो सब करता तो तुम क्या कर रहे थे? मेरे वार्ड के अंदर जुआ गाजे का धंधा चलता था, जो भी दो नंबर का चलता था, मेरे पास सर नंबर 42 के लोग आके बोले कि सर वहाँ पे चलता है। माँ बहने हमारी आई, नौजवान आके मुझे बोले, दूसरे दिन जीसीबी ला के कारपोरेशन की बिना पुलिस का प्रोडक्शन लिए पूरी बस्ती तोड़ डाला था। मैं देख लेती थे हम लोग जाके, ये आमदार होकर रोते घूमते हैं, इसमें कौन से दो नंबर के धंधे को रुकाए? इसको तो मुझे लगता है कि हफ्ता मिलता होगा दो नंबर के धंधों से। ये आलम दीन है, इन्होंने कौन से ऐसा काम किया कि हमारे शहर में भी सुधार आए? ये वार्ड जो पक्के वार्ड जिसको वो अपनी जागरण समझते कि यहाँ से मैं जिसको खड़ा करूंगा वो चुन के आएगा, और अभी तक उन्हीं के उम्मीदवार चुन के आया है। क्या यहाँ जो उम्मीदवार खड़े हैं ये वार्ड के अंदर वही शरीफ आदमी, बाकी बदमाश है, वो पढ़ा लिखा है, बाकी क्या जाहिल है? यहाँ उनके उनके साथ अभी भी आप लोग देख लो, वही लोग घूम रहे हैं जिनको उम्मीदवारी के ख्वाहिश है। ये पक्के वार्ड में अभी मैं बोलता हूँ, इसके आगे से इंशाल्लाह इनकी सीट भी नहीं आएंगी, समाजवादी के उम्मीदवार पक्के वार्ड से चुन के आएंगे। और दो नंबर का धंधा अभी भी मैं बोलता हूँ, ये हम ऐसे घर घर जाके रोते नहीं घूमेंगे, और इससे ऐसे नहीं बोलेंगे कि नौजवान बिगड़ रहे और मालेगांव में दो नंबर का धंधा चल रहा है। शान हिंद चुन के आने के बाद में किसमें मजा आ जाए यहाँ पे दो नंबर का धंधा करके देख के बताए? कोई होगा पूरे शहर के अंदर दो नंबर धंधा करने नहीं देंगे हम। तुमको इस्लाम आश्रय के नाम पे तुम चुन क्या है, मजहब के नाम पे चुन क्या है, तुमने कौन सा मजहबी काम किया? अब्दुल मालिक जैसे आदमी के ऊपर फायरिंग होती है? अब्दुल मालिक मेरे काफी नजदीक का है, मेरे छोटे भाई जैसे मेरी उसकी मौकत है। आज बोलते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने उसको बचा लिया, होम मिनिस्टर ने उसको बचा लिया, वो असेंबली के मेंबर नहीं है, तुम असेंबली में बैठे, तुम्हारा देवेंद्र फडणवीस से दोस्ताना है, ऐसा वो बोलते। इनका अमित शाह से दोस्ताना है, इनका चीफ मिनिस्टर इनका दोस्त है, चीफ मिनिस्टर के जूते ये संभालते। इनका काम नहीं था कि जो गुनेगार है उसको सलाखों के पीछे डालना। अगर क्या जो इसके आगे का जो फायरिंग की बात थी शान नहीं चुन के आने के बाद में, इंशाल्लाह वो सलाखों के पीछे रहेगा। मेरे नौजवानों से गुजारिश है, ये गलत रिवायत जो पहले से पड़ी है काम चोर का फुलार करना, या आप बंद करो। आप अपने खुली आंखों से देखो कौन शहर में काम करता है, कौन शहर में दिखता है, 12 नवंबर में कौन था, गढ़ यात्रा था कौन था, एमएससी कॉलेज के ऊपर कौन था, सिविल हॉस्पिटल यहाँ से वहां चले गया, ये हमारे नुमाइंदे ने कुछ नहीं कर पाया। पूरे नेशनल लाइट बैंक उधर चले गई, आज हमारे माँ बहनों को रोज मौसमपुर के उधर जाके रात रात भर लाइन लगाना पड़ता, इतना पेशरों पर सहित मैंने आमदार नहीं देखा। आज माजी दोनों आमदार की मैं बात करता हूँ, फ्लाईओवर 8 साल से बन रहा, दोनों फ्लाईओवर चालू नहीं कर पा रहे, 1 साल में दादा भूसे ने ब्रिज बना दिया, वो ब्रिज चालू हो गया। ये शहरियान में तकलीफ देने वाले इनकी सियासत है, ये हमको बंद करना पड़ेगा, बंद करना चाहिए। आज पूरा तो डेढ़ और फ्लो हो रहा, बैंक छे खिड़कियां खुली, 1.5 महीने से पानी बह रहा, और हमारे शहरियान को 2 दिन आठ से नागे से पानी मिल रहा। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि पानी को 1 दिन आड़ किया जाए। हमको आज ये सारी तकलीफ इंशाल्लाह दूर करना चाहिए, दूर होना चाहिए। अब आप सोच समझ के पढ़े लिखे उम्मीदवार को आपको दोनों को आपने परख चुका, दोनों ना आए गए, एक तो जाएगा उसको कुछ समझता भी नहीं, पार्टी भी क्या लाए और क्या नहीं लाएगा उसी को मालूम है। दोनों को शहरियान ने रिजेक्ट कर चुका है, आप कोई बड़ी तैदात में यहाँ पे आ रहे हैं, शहर में जो बदलाव लग रहा है, आप इसी तरह 30 तारीख तक आप खुश हो, इंशाल्लाह बदलाव होगा। शुक्रिया।